सुख में जब बताएंगे। ये तो दिल गैल खिलवाड़ो, वो मेरा पोवा बेकार गया। इस गाड़ी में भी लग सकती है क्या टायर? मौसम कितना जबरदस्त हो रहा है यार, यो प्लास्टर सूखा हुआ कुकर में तो समझ में ना आ रही। सारे कानून तो हमारे लिए बने पड़े हैं, इनका क्या? ये छोरी है बस की तरह, एक जाएगी दूसरी आएगी। स्टॉप। जय श्री राम भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। और भाई टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और मैं अभी उठा हूँ सो के। तो भाई आज तो जिम कैंसिल हो गई क्योंकि लेट उठा मैं, तो देखता हूँ ट्राई करता हूँ भाई शाम में चले जाऊँ। बाकी मैंने आज कुछ काम जाना किता है तो इसलिए मैंने मगाया नींद पूरी कर लो है। देखियो भाई कैसे मसल्स हो रही है। बाकी ठीक है भाई, सोई अब उठा हूँ भाई, उठ के अपना देखते हैं भाई कि आज पूरे दिन कई काम है यार। एक टैल वैल आले भी नहीं मिल रहे, मैंने ऑफिस में टैल लगवानी खेत में। चलो करता हूँ मैं कुछ उठ के। लो भाई करेक्ट 10:30 हो गए और भाई उठ कर फ्रेश अप हो लिया। और जिम में जाने का तो भाई कोई प्लान है ही नहीं मेरा, बाकी शाम को देखते जाएंगे या नहीं। और यार मिस्त्री भी बड़े परेशान कर रहे हैं, एक बीमार हुआ बैठा है, टैल वाला कोई मिल नहीं रहा। तो भाई देखो कोई मिस्त्री ढूंढो, ट्राई करते हैं। तो चलो भाई बाहर निकलते चलते नीचे देखते क्या चल रहा है बाहर। पागल है क्या तू? ए परांठे, ए कुछ प्रॉब्लम है तेरा? क्या हाल है पागल के? सन्यास ले लिया गे? जिंदगी तक सन्यास ले लिया गे? और बड़ा टिक्का ला रही, ठीक है परमानेंट टूडे रही, हमने ना आती तेरी याद ना, कोई दिक्कत ना है। अरे बैंक में तो पड़े रह पिए, तेरे भीतर थोड़ी गल रहे हैं, अपने आप पहुंच जाऊंगा बैंक में तो मैं। एक तो आप पिटेगी कोई भी मने के समझानी पड़ेगी, ये छोटी छोटी चीज इसको समझा, ये पिटेगी देख। मेरे को मारा वो बता यार, टैल लगानी है ऐसी ना जाने कैसी, इस गाड़ी में भी लग सकती है क्या टैल? हैं क्यों भाई? इसमें लगवानी पड़ेगी तेरे को, प्लास्टिक की टैल लगा दियो इसमें, ठीक है यार? ये बता टैल लगानी बिल्कुल कट टू कट, लिपा पोथी नहीं करनी है। वो तो मैंने लगाए थे सर, वो देखे नहीं आप? नहीं वो सही नहीं है, वो सही नहीं था। नहीं एज टू एज लगानी बिल्कुल कोने से कोना मिला गई, वो मिल जाएगा। ऊंची नीची होगी तो फिर फायदा नहीं है ना उस चीज का। मैं भी वैसा नहीं लगाऊंगा। वैसा लगा दिया तो फिर क्या होगा उसका बदला? उस अगर गलत लग गई तो गलत लगाऊंगा तो पैसे तू देगा फिर उसके, ठीक है? ठीक है भाई, चलो मीटिंग डन हो गई भाई। चलो भाई खेत में चलते, मिस्त्री भी आ जाने की कह था, जो खेत का अपना रह रहा थोड़ा काम, तो देखो बाकी इस टैल का नाप नूप लेगा तेरे, वो अपने टैल टूल ला गए, इस काम सौंप दूं मैं। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा दिल्ली में, कितना टेम्परेचर दिखाओ बाहर का, या तो दिखाती है वो नहीं भाई कि मेरा कित लिखा होगा। इंजन लाइट आ रही है ये, देर नहीं। चलो भाई चलते हैं खेत।
डाल लिए खेत में। और देखो भाई जय दादा की, सुबह सुबह मौसम कितना जबरदस्त हो रहा है यार। यो पलस्तर सूखा हुआ कुकर में तो समझ में ना रही, गांव तो लिगड़ता है को नहीं। आ जा भाई आ जा, चलो भाई देख इस तो दिखा दू एक बार के क्या होना है। बाकी मिस्त्री यार आ जाने की कह रहा था, और तो देखो निमट जाना सारा काम जल्दी है तो सही हो जाएगा। ओ नाइस रूम, ये देख ले भाई ये तो है बाथरूम, ठीक है इसमें लगेगी नीचे और चार चार फीट दीवार पे। और ये इधर है किचन, इसका भी बता दियो। चलो भाई इस तरह मैं बूझ लू एक बार, समझा दू सारा कैसे क्या है। लो भाई दिखा दिया मिस्त्री था। बाकी भाई मैंने एक चीज सोची है, खाली बाथरूम में करवाऊं मैं टाइल टाइल, किचन में और जो अपना मेन ऑफिस है उसमें कराऊंगा मैं फ्लोरिंग, जिस मेरी पहला घर हो रही थी, क्योंकि भाई टाइल लगा मैंने वर्थ ना लगता और इतना बढ़िया लुक भी ना आती। साची बताऊं तो मैं घर अपने कमरे में लगवाई मैंने भी समझ में ना आ रही, तो मैन हो जाए बाथरूम का, क्योंकि भाई बाथरूम हो जाए पानी का काम तो उड़े तो जरूरी है। तो वही भी तो मैं टाइल टूल दवा लू, बाकी उन्होंने क्या प्लस्तर हो बाद लग गई टाइल तो मैं कई बार आया साइज ही ने ले लिया एक गैल जा गया गाँव में आडे फैक्ट्री तो उड़े तो लिया हूँ मैं जाकर टाइल। और भाई बाकी अपनी जो किचन है उसका और मेन जो रूम है उसका, उसमें मैं सिद्धि खिला लूँगा फ्लोरिंग करा दूंगा उसमें, जो अगर मेरे कमरे में पहला हो रही थी जिस पुराने व्लॉग देखे हुए तो वो करा दूँगा। और छत पर अपनी पीवीसी होनी है तो चलो भाई एक बार टाइल मैं ले आऊँ मंगा कर दूंगा गैरेज में आडे खेत में। बाकी फिर यू है जब यू आडेगा फ्री हो जाएगा, मिस्त्री भी आ जाने की कह रहा कि भाई मैं आऊँगा तो वो कहता दो दिन का काम है, दो दिन में कर देगा वो कंप्लीट अपना प्लस्तर जो भी है। फिर उसके बाद यो तेरा टाइल कितने दिन में लगा देगा टाइल, बाथरूम की तो एक ही दिन में लगा देगा। चलो भाई उसके बाद तो फिर अपना पीवीसी आड़े आ जाएंगे वे भी अपना एक दो दिन में निपटाते हैं तो लगभग हो जाएगा जल्दी है सारा काम। चलो भाई मैं इसको टाइल दिला लूँ। भाई प्लान हो गया चेंज, अब टाइल लेने नहीं जा रहा मैं, क्योंकि भाई मैंने एक चीज़ सोची किचन में भी काम है, मतलब किचन का भी पत्थर वत्थर होगा तो उसका तो यो अभी आइडिया ले नहीं सकता क्योंकि फर्श डलने के बाद पता चलेगा। तो फिर मगा चले एक बार पहले मिस्त्री का काम खत्म होने दे, एक दो दिन में वो पूरा क्लियर कर देगा, उसके बाद फिर ये भी टाइल लेकर आऊँगे तो साथ साथ किचन की स्लैब वगैरह वो सारा इकट्ठा ही आ जाएगा, तो इसलिए मगा चल अभी रहने देते हैं। तो चलो भाई एक बार मैं चलता हूँ घर, इसने उतार दूँ। ये देखो उड़ी बाबा हाय जय श्री राम, किद्दा है राम राम ताऊ, राम राम ब्याह आ गया मेरा किद्दा है उड़े ते इस्लामाबाद ते है सही मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान ते। हाँ के दिक्कत है, दिक्कत है कुछ पाकिस्तान में सही मैं मजाक नहीं वेपर इंडिया में रहा है कई साल ते 1947 ते है पाकिस्तान के किजा ही में बिहारी है पर वे किजा है। मैं एक वजह हूँ किचे ओका पीन किचे आड़े गाम में खेत में, खेत में तो तेरी बाया हूँ मैं फिर वो और कॉकी पिया कर आड़े पिया कर ट्रांसफार्म पे आड़े कम है उड़े किच जाना तने मैं तो ठेके में जाना है। हाँ डोज खत्म हो गई जगह वह बर्बाद गई। क्यों मैंने पीनी ना थी एक पैग लिया और कई बैठ गए जब टांगे ओ ये तो दिल गैल खिलवाड़ा वो मेरा पोवाज बेकार गया। फिर तू मेरे गैल चल लगा मैंने ले चल एक बार चल तो बैठ चल ये नहीं गए मैं आप चल पड़ूंगा स्लो भाई वो भी तो फालतू मान लूं। अच्छा ठीक है आको यो मांग ले मेरे तेरी है ना पांच आदमी आगा पांच आदमी ले जाकर लेजिए ठीक है खर्चा भी कम होगा और सारी बात।
ठीक है वो तो ये मंदिर जो है ना दादा देव का मंदिर है, उसके पीछे वाली गली में रहते हैं। मैं वहाँ आगे दादा देव मंदिर का ग्राउंड है, वहाँ मिल जाऊँगा, मैं फोन कर दूँगा। अच्छा तो ठीक है, अच्छा बात भाई। हैं अच्छा फोन नू है दिल्ली। अच्छा ध्यान रखूँगा भाई, कभी दफ्तर में भी जा है, कभी दफ्तर में भी जा है, नहीं जाता भाई। मने कितना जाना था यार, या गाड़ी के मेरा कौन खड़ी कर गया। वाईपी सिंह अंडर साइकिल रिटायर हो गया था, फिर बुला दिया। क्या किसकी है? गाड़ी है ताऊ या वाईपी सिंह ने रिटायर हुए ने एक साल हो गया, वो कंसल्टेंट लग रहा है बे, ये टीएसएल का। तो भाई दोपहर के बज रहे 4 और तुम्हारा भाई निकल लिया भाई घर से। मैंने बताई थी दिन में भाई कुछ अर्जेंट काम है, वो मैं कैमरे पर ना बता सकता, क्योंकि भाई सारी चीज कैमरे पर भी ना बताई जाए अगर अपनी पर्सनल लाइफ भी हुआ यार। एक तो गाड़ी में रहना कौन खड़ी करेगा, बड़ा कमीना आदमी है। कती रास्ते में जब कितना जाना हो ना, जब इसे वैगनार जीप भाई, टाइम हो रहा है 4:18 और हम लोग हो चुके हैं लेट। हमें पहुंचना था भाई, कितने बजे पहुंचना था यार हमने? 4 बजे। ओ माय गॉड, हम तो भाई 18 लेट हो गए जिंदगी में। चलो भाई हमने कुछ काम है यार, रोई नहीं पर मैं बता नहीं सकता भाई। जिंदगी बर्बाद हो रही है, जिंदगी जेल में चाहे रोब तय कटी जावेगी। चलो भाई भाई बहुत सही से काम हो जाए अपने प्राइवेट, जो भाई बता नहीं सकते कैमरे आपके। तुम भी सोच जाएगा प्राइवेट। अरे गलत मतलब नहीं यार, फिर सोचे जाने देखिए ना कि ये सोचना हम बदल थोड़ी सका भाई। भाई कुछ ऐसे मतलब फैमिली का कोई काम है भाई, उसका मतलब जो शेयर ना कर सकते, बट हाँ जाऊँ मैं, फ्री हो जाऊँगा। मीटिंग है एक, वो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। और फिलहाल हम लोग हैं G3IS और हमें जाना है सेक्टर कौन से वाला गाँव तेरा। चलो भाई मैं था बताए दो कि जाऊँ मैं यार भाई मुगली का कराने जाऊँ पैचअप, इसका इसकी गर्लफ्रेंड का पंगा हो रहा है ना भाई, इनकी मीटिंग है, इनका पैचअप करवा दूंगा, करा दूंगा, कोई दिक्कत ना ना। चलो भाई, अरे कोई दिक्कत ना, अरे के बात हो गई अपने भाई, बता दे यार, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, बता दी भाई थारे भाई ने, थारा भाई कती थारती है ना, बिल्कुल ऐसे है, कोई ना हो जाएगा आज भाई, कल तो रोटी भी ना खाई है, पूरी रात रोया, मगर चल कोई ना मैं बात करूं भाई, मैं चल का समझाऊं, है तो वह छोटी है पर समझा के देख लेंगे, मान के था उसकी भलाई ना माननी था भाई, फिर इसका कोई नहीं करा देंगे। लो भाई टाइम हो रहा है, अरे यार कैमरे में क्यों हो गए हो, बेकार सा हो गया। लो भाई टाइम हो रहा है 5:36 और फाइनली इसका पैचअप हो चुका है। अरे ओ भाई, अरे के बात होगी, जब बताऊ तो हूँ मैं यार, बढ़िया सब जिन्ना दुख हो रहा था राजी हो गए भाई, इसका पैचअप करा दिया मैंने, काफी जिद बहस के बाद इसका पैचअप हो चुका है, और ये आज बड़ा खुश है, देखो इसका चेहरा बता रहा है भाई। चल कोई ना भाई, होती जाती रहा अगर मुगली, ठीक है आगे तो लड़ाई हो ना, मेरे तो पूछ लिया अगर कैसे सोल्व होएगी भाई। मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है यार इसका, देखियो यार घर बस गया यार छोरे का यार। अरे भाई कुछ ना, फिर तू बता ब्याह मकद लेगा जा के ना होया, तो बोलना कुछ ना होया, क्योंकि इसका लालच आ गया, इसका भी रखे हो रही है के मेरा कोई छोरी सेट होना चाहती है, कैमरा बंद होते हुए रखे बोला। अरे यार रुक जा ना, एक आधी और आती होगी, इनने पता पता तेरी लड़ाई हो, तेरा ब्रेकअप हो है, किसी एक का तो हो जा रहे साले। अरे भाई मजाक करूं भाई, किसी एक का यार भाई भाई मैं देखो साथी होता हूँ, टू बी ऑनेस्ट ये सब मजाक की बातें हैं, हम की कुछ और काम आए थे ना, छोरी का कोई लफड़ा था, कुछ फैमिली का काम था भाई, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, बट हाँ इसका पैचअप हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है हुआ नहीं है, अगर अरे कोई बातें ना होती, बातें ना होती। लो भाई देख लो इतना लॉयल छोरा क्या काम मिलेगा। मार ट्राकी है मैं, मेरे तरह मैसेज कर दिया ये सजाए मौत है भाई, मुकली दिमाग का संधि भी है। अरे छोरी के ऊपर साले की तो बंद मत हो जाइए, कदे कुछ गलत हरकत कर दे ऊपर बंद होगा, छोरी है बस की तरह एक जाएगी दूसरी आएगी सिस्टम। चलो भाई
कि चल भाई चल। अरे कि मुकली वो नारियल पानी दिखना, नारियल पानी पियाई यार मेरा तो अलग सूख गया। चलो भाई चलते हैं घर, आज तो कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया भाई, पर जैसा भी दिन जा रहा है मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, अंधेरा हो गया वैसे। चलो भाई, और खेत का मंधाता बताई दी थी भाई, मिस्त्री का काम कंप्लीट हो जाओ उसके बाद दे बुलाऊंगा टेल वेल आड़ा ने, तो धीरे धीरे होता रहेगा, कोई जल्दी बाजी ना है, एक महीना लग जाएगा साड़ा पूरा तैयार होने में, खेत अगर जाए। चलो भाई चलते हैं घर। टमाटर का सूपी हो गई ब्रेकअप के बाद, सूप पीने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है, बना दे भाई दो सूप बना दे। नींबू काट लो भाई यार, नींबू मत काट, नींबू तन्ना काटे तो तन्ने किसा लगेगा यार, गलत बात है ना, ये बहुत झूठी हुआ है, इन तय सजाए मौत देनी पड़ेगी ना, कानून बनवाना पड़ेगा इनकी भी भाई। के करेगा नींबू का, सारे कानून तो हमारे लिए बने पड़े हैं, इनका कैसे ये करी ना बात सच्चाई की, हम तो भाई कोल्लू का बैल हो रहे हैं, उससे भी बेकार हो रहे हैं, उससे भी बेकार हो रही हो, अभी ठोकर मुकली तेरा भाई है यो तो भाई यो भी ठोकर खाया उठ बंदा है, सही पकड़े हैं। चलो भाई इसी खुशी में सूप पीते हैं हम लोग। चलो मैंने खुशी हुई, मेरे दूसरे भी भाई है, मजा आगा भाई सूप पी का, ठंड हो रही बहुत देर। भाई हम तो पीते नहीं है तीस गर्मा गर्म, मजा आगा भाई ऐसा सूप मिल जाना, मेरा रीट बहना बंद हो जा, सूप मिल जाना ब्रेकअप का दम खत्म, एक सूट में मैं रोज ज्यादा करूँगा जी भाई, जिसका ब्रेकअप हो रहा हो ये सूट की लिवा है, ठीक है सारा कम खत्म हो जाएगा। लो भाई एक गाय दिखी प्यारी सी, इस तो हमने छल्ली खवा दी, एक और गर्म हम भी बस छिगे, अरे गिर दिया था या तो इन्हें भी खागी भाई, उल्टा दे हो यो ना खाना, कितने तक खिंडा दिए इन्हें छोल का भी खा गई। लो भाई आज तम ना रगड़ के खा लिया, ये क्या है बताऊं, हाथी है दांत इतने सारे हाथी मार दिए मैंने, यू देखो जी के सौदा, यू यू है जी जाडा बजान का सौदा भाई। हम जा रहे अब घर, हमने ले ली छल्ली, दूध दो पी लिए सूप, एक तमस जा गए कोका मिल जाओ, आहा मजा सा आ जाओ भाई जिंदगी का, बाकी ये दांत खा लू मैं। चलो भाई के टाइम हो गया, गणाओ गिरवा दिया 6:50 मसाला ना, कोयल तू आ दे ध्यान तो चला ली, कितने कदे ठोक दे बड़ा तन इतनी जिंदगी तो ठोक दे ना। लो भाई अपने घर पे आ चुके हैं और आते ही दर्शन होते हैं भाई, जिस दिन अपने गुरु जी के दर्शन ना करो भाई वो मैंने अपना गुरु मान रखा है, जिस जब तीस के दर्शन नहीं होते ना मेरी जिंदगी कष्ट कष्टों से भर जाती। गुरुदेव हे प्रिय गुरुदेव आ जाओ, गुरुदेव टोपा पहनो, ठंड हो रही है गुरुदेव नहीं नहीं गुरु जी नहीं, ठंड लग जाएगी, मैं भी रखेगा हूँ कल बताऊँगा मगा भाई, बहुआ ना मेरा तब बादशाह जी सिया हुआ है, मैं न कहूँ इतनी सेवा जो बादशाह अगर भाई इस चीज से गुना की बहुआ की ना, बेड पर रोटी गाड़ी साफ, चल गाड़ी तो खैर के लू आई है, पर मैं नु कहूँ कमरे में जो अगर मेरा ये फैला रहा है ना, एक तितर वितर नहीं हो सकता सुख में सारा सुख मिलेगा। चलो भाई एक कोका पी ले मैं, बाय। क्या कहना क्या चाहते हो? ना उतरा गाई वे, कि जाना है प्यास लाग रही है ना, के मेरा बाजा तो इसी लाला जा पर ही ना, क्या हुआ ओई पिकेचू क्या हुआ
लो भाई आ चुके अपने घर और अभी चलते अपने रूम में, वीडियो एडिट करके वीडियो डाल दूंगा तुम लोगों के लिए। तो भाई फिलहाल तो कितना जाना नहीं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।